खेती में आए हुए हम लोग, चारा काटना था अभी। यहाँ पे हम इंशाल्लाह एक स्पेशल मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। और सबसे पहले नहा लेते हैं, ऐसे हवा चल रही है, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। और अनाया जो है वो पानी के साथ खेल रही है, अनाया जो है वो मुझे नहला के बहुत खुश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहा लिया, और बड़े कहते हैं कि खुले पानी के नीचे नहाएं तो 100 बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं। तो अभी चूंकि सीज़न शुरू हो गया है चावलों की फसल का, और हर तरफ जो है वो ट्यूबवेल चलेंगे, और सुबह सुबह तकरीबन सभी लोग जो हैं मर्द हजरात स्पेशली वो खेतों में नहाते हैं। तो अभी हम बनाएंगे मसालेदार सी सब्ज़ मिर्च, बहुत स्पेशल ये रेसिपी है, आसानी से भी बन जाती है और है भी बहुत सस्ती, बहुत मज़ेदार। तो शुरू करते हैं और बनाते हैं नाश्ता माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च हैं, तो हम लगाएंगे इनके अंदर कट कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ लस्सी चलेगी और ये दही है, थोड़ा सा पानी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी हमारी तैयार हो गई है, थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। और अभी साथ हम डालेंगे इसमें बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, इसको ठंडा होने देते हैं, बाकी काम जो है वो निपटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, इसको हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना, तो ज़ीरा हमारा भुन गया। अभी हम डालेंगे सब्ज मिर्चें जो कट लगाए थे जिन मिर्चों को हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको हम करेंगे फ्राई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह, और आज हम नाश्ता इसी से करेंगे इंशाल्लाह। आग जो है वो हल्की रखनी है। अभी हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 अदर लेमन जो उनका रस। तो ये मिर्चें जो हैं ये हमारी घर की हैं, और ये देसी मिर्च है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन वो जो लंबी मिर्च होती है जो थोड़ी तीखी होती है, अगर आप उससे बनाएं तो उससे ऊपर लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल दिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है, नमक थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें, दरदरी सी सौंफ। माशाल्लाह खुशबू जो है वो सुबहान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई है। जो मिर्च है हमारी वो फ्राई हो गई अच्छे तरीके से, कलर इसका हो गया चेंज। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दही डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम डांपेंगे, 2 से 1.5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये देखें मिर्चें हमारी जो हैं वो तकरीबन बेहतरीन नरम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अभी ये जो पानी बन गया दही का, इसको हमने थोड़ा खुश करना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी रहे बस, बाकी जो है उसको हम खुश कर लेंगे। तो ये हमारी मसालेदार हरी मिर्चें वो तैयार हो जाएंगी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई हैं तैयार, उतारते हैं नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप नाश्ते में ट्राई करें, वो भी लस्सी के साथ, तो सुबहानअल्लाह।
फिर तो मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया हमारा तैयार, और जो सब बच्चे हैं ये अब्बू जान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बेटा पियो लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह चोपड़ी हुई रोटियाँ, पराठे हैं, अचार है, साथ अंडा है। ये जो हमने मसालेदार सब्ज़ मिर्ची बनाई है, ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें बहुत मज़े की बनी है। हाँ जी मौजूद भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब जी तुहानू कैसी लग गई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। तू इस बेटा खादा कैसा बनया? बहुत मज़ेदार। हाँ जी अम्मी जान कैसी बनिया? बहुत मज़ेदार बनिया। तो ये था हमारा नाश्ता आज का, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।